हेलो एंड वेलकम गाइस। आज शिक्षक दिवस है यानी कि टीचर्स डे, तो आप सभी को बहुत 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 बधाइयाँ। आप सभी खूब आगे बढ़ें और ऐसे ही हम सब टीचर्स आपका मार्गदर्शन करते रहें। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आज का ये वीडियो सुपर स्क्रिप्ट को लेकर के है। सुपर स्क्रिप्ट पर आधारित मैंने कई तरीके बताए हैं गूगल शीट में, लेकिन आज का ये तरीका बिल्कुल खास है क्योंकि आज हम बहुत ही आसानी के साथ सुपर स्क्रिप्ट यूज कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ए, तो ए तो लिख लिया। अगर स्क्वायर लिखता हूँ तो यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा। पुराना तरीका आप जानते ही हैं। आपको क्या करना है स्क्वायर लिखने के लिए, एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, अल्ट प्रेस कर लीजिए, और अल्ट प्रेस करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है 0 1 7 8। आपको ये बटन न्यूमेरिक की से प्रेस करना है, यानी कि न्यूमेरिक कीपैड वाला बटन आपको प्रेस करना है, ठीक है। तो आप प्रेस कीजिए अल्ट और फिर प्रेस कीजिए 0 1 7 8। जैसे ही प्रेस किया तो ऊपर 2 अपने आप लग गया, यानी स्क्वायर अपने आप आ चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमें नॉर्मल पोजीशन में आना है, तो क्या अल्ट 0 1 7 8 काम करेगा, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। अल्ट प्रेस करता हूं फिर 0 1 7 8। तो जैसे ही मैं लिखता हूं इसको, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 ऊपर लिख रहा है, ठीक है। अगर मैं प्लस का साइन लगाता हूं तो अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है, ठीक है। अगर मैं बी लिखता हूं तो ये नॉर्मल पोजीशन में, लेकिन जब भी आपको स्क्वायर लिखना होगा, केवल और केवल स्क्वायर लिखना होगा, तो आपको ये प्रेस करना होगा अल्ट 0 1 7 8। देखिए, जैसे प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये स्क्वायर अपने आप लिख दे रहा है, फिर ये नॉर्मल पोजीशन में आ जा रहा है। तो आपको नॉर्मल पोजीशन में जाने के लिए कोई दूसरी की नहीं दबानी पड़ रही है, सबसे बड़ी खासियत ये है। तो कैसे लगी ये वीडियो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।